सब्सक्राइब कीजिए सारथी एजुकेशन चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट तुरंत पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी, वेलकम टू सारथी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। द टॉपिक इज द गोलन हाइट। ठीक है, बहुत अभी कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है और अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने गोलन हाइट को डिक्लेयर किया था एरिया ऑफ द इसराइल, इसराइल की सोवरेन टेरिटरी उन्होंने डिक्लेयर किया था। और उसके बाद जो है बहुत ज्यादा डिस्प्यूट यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पे बढ़ गया है। और अगर हम गोलन हाइट इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, गोलन हाइट कहाँ पे लोकेटेड है, इशू क्या है, किस तरीके से इसराइल ने गोलन हाइट को कैप्चर किया, उसके बाद सिक्स डे वॉर क्या है, उसके अलावा वहां पर कौन लोग रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। काफी सारी डिस्कशन हम इसके अंदर यहाँ पे करने वाले हैं। तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इसराइल का गोलन हाइट के ऊपर सॉवरिन राइट, उसके प्रबुद्ध सत्ता संपन्न जो अधिकार है, उसकी यहाँ पर उन्होंने वकालत की है। इसके पहले उन्होंने जेरूशलम को वहां का कैपिटल जो है वो कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर किया था और एक्सेप्ट किया था कि जेरूशलम का जो एरिया है वो इसराइल का सॉवरेन टेरिटरी है। और अपना जो एम्बेसी है अमेरिका का, यूएसए का, वो उन्होंने तेल अवीव से आपका जो एरिया है, इट्स एरिया ऑफ द जेरूशलम, यहाँ पे शिफ्ट किया था। तो गोलन जो अनाउंसमेंट है यहाँ पे, उसके कारण इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर और बढ़ने की संभावना यहाँ पे हो गई है। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी जो प्रेशर है, काफी प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। तो बात करते हैं ये इस एरिया के बारे में, ये इतना एरिया इतना कंटेंशियस क्यों है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो एरिया क्यों है और क्या विवाद है इस एरिया के अंदर। तो अगर हम बात करें तो गोलन हाइट एक्चुअली बिफोर द 1967 के पहले जो गोलन हाइट का पूरा एरिया है, ये एरिया कमांड किया जाता था बाय द सीरिया। ये सीरिया का अपना खुद का जो है सोवरीन एरिया था। लेकिन उसके बाद जो है 1967 में एक वॉर होता है, द वॉर इज कॉल्ड द सिक्स डे वॉर, छह दिन का युद्ध होता है बिटवीन द इसराइल एंड द कुछ मुस्लिम कंट्रीज जो थी उनके बीच में ये वॉर होता है। और इस वॉर के बाद जो है इसराइल पूरा जो एरिया है आपके गोलन हाइट का उसको कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद 1981 में उसका कंप्लीट एनेक्सेशन, कंप्लीट अपने देश के टेरिटरी के अंदर यहाँ पे मिला लेता है। ठीक है, तो सीरिया का जो एरिया इस तरीके से इसराइल द्वारा मिलाया गया था, वो सीरिया लगातार डिमांड कर रहा है कि ये एरिया जो है वो वापस सीरिया को लौटा दिया जाए, फ्रॉम द आपका जो इसराइल है उसके द्वारा एरिया वापस इनको यहाँ पे लौटा दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे 1973 के अंदर एक वॉर हुआ था, इट्स मिडिल ईस्ट वॉर। इस वॉर के अंदर भी उसने यहाँ पे कोशिश की थी कि इसराइल के ऊपर हमला करके फिर से यहाँ पे वो एरिया कैप्चर कर ले, लेकिन वो उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद 1974 में आफ्टर द 1973 वॉर, उन दोनों के जो एक आर्मिस्टिक होता है, एक पीस संधि, पीस ट्रीटी जो है उस टाइप से होती है, जिसके अंदर यहाँ पे बात की जाती है कि अभी एरिया जो है वो वापस एक दूसरे को लौटा दिया जाए और उसके बारे में बातचीत यहां पे स्टार्ट होती है। लेकिन कोई भी इस तरह की बातचीत जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। 2000 के अंदर और इजराइल और सीरिया जो है दोनों हाई लेवल की मीटिंग्स करते हैं नेगोशिएशन करने के लिए कि किसी भी तरीके से गोलन हाइट का एरिया इजराइल वापस सीरिया को लौटा दे। लेकिन जितनी भी नेगोशिएशंस होती है वो फेल हो जाती है, क्योंकि इजराइल की जो डिमांड्स थे वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, काफी ज्यादा हाइप थी, उसके कारण वो एरिया सीरिया जो है वो उसको नहीं माना और एरिया जो है इजराइल को वापस नहीं मिलता है। क्या था सिक्स डे वॉर, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सिक्स डे वॉर जो था ये हुआ था 5 जून से लेके 10 जून 1967 तक, तो 6 दिन तक चला, इसलिए 6 दिन का वॉर इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है इस एरिया की ज्योग्राफी के लिए, इस एरिया की स्ट्रेटेजी के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसराइल के ऊपर काफी सारी कंट्री जो है मिलकर अटैक करती है। वो कंट्री थी इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, लेबनन, सीरिया और उसके साथ पाकिस्तान और मोरक्को, ये कंट्रीज भी उसको वहां पे सपोर्ट कर रही थी। तो इतनी सारी कंट्रीज जो है मिलके इसराइल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसराइल जो है इन सबको जो है यहाँ पे मात दे देता है, सबको युद्ध के अंदर यहाँ पे हरा देता है। अभी मेन यहाँ पर जो रीजन था वॉर का वहां पर ये था कि इजिप्ट के पास में एक टेरिटरी है, इट्स कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ तिरान, तिरान की स्ट्रेट है। वो जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट से इसराइल अपना शिपिंग जो है वो करता था, लेकिन अभी इजिप्ट है उसने स्ट्रेट ऑफ तिरान जो है उसको इसराइल के लिए बंद कर दिया कि इसराइल की शिप्स वगैरह यहां से नहीं जा सकती। और उसके बाद इनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो स्टार्ट होता है, आपकी
जो इसराइल की जो एयरफोर्सेस हैं वो यहाँ पे 200 प्लेन उनके कुछ पास थे वहां पे, और 115 116 प्लेन जो है वो जाके इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट की एयरफोर्स के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर जाके बमबारी करते थे, और इतनी सीवियर बमबारी करते हैं कि इजिप्ट को संभालने का मौका यहाँ पे नहीं मिल पाता है। उसके बाद वॉर आगे बढ़ता है। अभी देखो अलग अलग एरिया के अंदर यहाँ पे युद्ध लड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे इजिप्ट का एक एरिया है सिनाई पेनिनसुला, उसको इजिप्ट पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो इजिप्ट के खिलाफ वो सिनाई पेनिनसुला में वॉर लगता है, लड़ता है। गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया की तरफ वहां पर वॉर लड़ता है, और वेस्ट बैंक का जो एरिया जो जॉर्डन के पास में था वेस्ट बैंक में, उस तरफ युद्ध लड़ता है। तो तीनों तरफ जो है इसराइल आप देखेंगे कि यहाँ पे युद्ध लड़ रहा था, और जो सिनाई पेनिनसुला है उसको पूरी तरह यहाँ पे वो कैप्चर कर लेता है। जो मैंने बात की स्ट्रेट ऑफ तिरान की, उसका मैं एक बार आपको लोकेशन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ तिरान जो है उसका लोकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पर लोकेटेड है। सो दिस इज द इजिप्ट, ये आपको मैप के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, यहां पर है आपका गल्फ ऑफ अकाबा, एंड हियर इज द रेड सी, आपका लाल सागर जिसको हम बोलते हैं, इधर सऊदी अरब, जॉर्डन, ये इजराइल यहां पर है। तो जो शिप्स है वो इस तरफ से यहां पे इनका जाता था, ठीक है। थोड़ा जूम करके देखें तो ये इजिप्ट है, यहां पर जो गल्फ ऑफ अकाबा है और इधर है रेड सी। तो मेन जो आपका जो स्ट्रेट ऑफ तिरान है, इसको मादिक तिरान कहा जाता है वहां की लोकल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट है ये गल्फ ऑफ अकाबा को रेड सी से यहाँ पे उसको जो दोनों है उनको यहाँ पे ज्वाइन करता है, और उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अकाबा से, अगर ये अकाबा से यहाँ पे अगर रेड सी में आना है तो आपको स्ट्रेट यहाँ पे स्ट्रेट से जाना पड़ेगा। और उसकी एंट्री जो है इसके अंदर यहाँ पे इजिप्ट ने इनकी बंद कर दी थी, और उसके बाद इनको गुस्सा आता है इसराइल को, और इसराइल फिर पूरा जो सिनाई पेनिनसुला जो है उसको कैप्चर कर लेता है। कुछ इस तरह का एरिया था यहाँ पे, दिस इज द इजिप्ट पहले। ये इसराइल जो है वो बिफोर 5 जून 1967 को, 5th of June 1967 को ये एरिया था इन द कैप्चर ऑफ द इसराइल, लेकिन 5 दिन के बाद युद्ध के अंदर पूरा जो इराइप ये जो सिनाई पेनिनसुला है उसको कैप्चर कर लेता है। ऊपर जाकर यहाँ पे ये सीरिया का जो गोलन हाइट वाला पूरा एरिया है उसको यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। और ये पूरा जो है आपकी सिचुएशन है आपकी 11 जून की, जब इतना बड़ा एरिया, छोटा सा एरिया था इसराइल का, और 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर पूरा जो है एरिया यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। ओके सो पहले हम एक बार उसकी गूगल मैप के अंदर लोकेशन देख लेते हैं कि गूगल मैप के अंदर आपका एग्जैक्टली जो है गोलन हाइट कहाँ पर आता है। अगर हम गोलन हाइट की लोकेशन की बात करें तो ये है इंडिया, इंडिया के बाद आगे आप चलते हैं, यहाँ पर आपका है ये पाकिस्तान, देन अफगानिस्तान, इट्स ईरान, और उसके बाद आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका सीरिया, ठीक है। ये इराक है, ये सीरिया है, ऊपर टर्की है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये सीरिया है, और ये जो एरिया है ये पूरा एरिया है इसराइल का, ये है आपका गाजा स्ट्रिप जहाँ पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इसराइल और आपके पैलेस्टाइन के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में, दिस इज द जेरूशलम। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर वेस्ट बैंक है, यहाँ पे वेस्ट बैंक के ऊपर आप जाओगे यहाँ पे तो हियर इज द दमास्कस जो कैपिटल है सीरिया का, ठीक है। इसको थोड़ा मैं आपको जूम करता हूँ, और ये जो एरिया है ये है आपका गोलन हाइट्स, इट्स अ सी ऑफ गैलिली जो ये टेरिटरी है। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये गोलन हाइट्स है जो पूरा जो इसराइल है उसने कैप्चर कर रखा है। ये एक फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे काफी ज्यादा उपजाऊ भूमि है। उसके बाद पहले ये जो एरिया पूरा हुआ करता था आपके सीरिया के पास में, लेकिन जब 1967 का वॉर हुआ तो इसराइल ने इसको कैप्चर कर लिया, और काफ़ी आगे तक ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है ये लाइन यहाँ पर, तो यहाँ तक जो है वो इसराइल फोर्सेस आ गई थी। उसके बाद इनके बीच में समझौता होता है, यूनाइटेड नेशन समझौता करवाता है, उसके बाद इसराइल जो है वापस पीछे चला जाता है, लेकिन वो गोलन हाइट वाला जो एरिया है वो यहाँ पर नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर UNDOF जो है वो यहाँ पर अपनी फोर्सेज जो है फोर्सेज यहाँ पे लगा देता है। बीच में आपको दो ये स्ट्रिप दिख रही हैं, दो पट्टियाँ दिख, दो लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पर पूरा जो एरिया है यहाँ पर UNDOF की जो फोर्स है, UNDOF को फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। उसका रीज़न यहाँ पर यह है कि इसराइल जो है वो फिर से आपके सीरिया के ऊपर, या सीरिया जो है वो इसराइल के ऊपर फिर से हमला ना कर दे, ये वॉर फिर से नहीं हो जाए, इसके लिए जो है यहाँ पे ये बीच में जो UNDOF है उसने अपनी फोर्सेस यहाँ पे लगा रखी है। तो ये लोकेशन आप जो है इसकी याद रखना, सी ऑफ गैलिली के पास में है, ये आपका है गाजा स्ट्रिप और सब कुछ, ये लोकेशन आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आपका गोलन हाइट। उसके बाद हम इसको और मैप के ऊपर देखेंगे तो ये आपको जो मैंने अभी गूगल मैप के अंदर दिखाया, गूगल अर्थ मैप के अंदर, इट्स अ सी ऑफ गैलिली, ठीक है। ये जो मैं आपको बताया था उसके ऊपर ये आपका पूरा गोलन हाइट का एरिया है। यहाँ पर और मैं आपको देखें, दिस इज द सी ऑफ गैलिली, इट्स लेक हूला,
ठीक है, जो 1961 से जो यहाँ पे ट्रेन कर रही है, और ये पूरा जो एरिया जो भी हमने मैप के अंदर गोलन हाइट का देखा था। ओके, तो ये पूरा आपका लोकेशन हुआ गोलन हाइट का। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गोलन हाइट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। उसके कुछ यहाँ पर रीजन है। पहला रीजन यहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि जो सीरिया का एरिया है वहां पर अभी 2011 से वहां पे सिविल वॉर जो है, गृह युद्ध यहाँ पे लगातार चल रहा है, और उसके कारण जो है इसराइल यहाँ पे लगातार बोल रहा है कि जो इसराइल और सीरिया के बीच में एक बफर जोन यहाँ पर क्रिएट किया जाए। बफर जोन मतलब बीच में कुछ एरिया है जहां पर अगर सीरिया अटैक करेगा तो उस एरिया पे पहले अटैक करना पड़ेगा, फिर इसराइल के ऊपर अटैक करेगा। तो वो बोल रहा है कि एक बफर जोन के रूप में जो है इसको हमने यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रखा है, और अगर हम इसको छोड़ देंगे तो इसराइल जो है डायरेक्ट कभी भी हमारे ऊपर अटैक, सॉरी जो सीरिया है वो कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ईरान का एक इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपका सीरिया है उसके प्रेसिडेंट है बशर अल अशद, ठीक है, इनका एक इंपॉर्टेंट अलाय है ईरान। तो उसको यहाँ पे डर है कि ईरान और आपके इसराइल के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो उसको डर है कि ऐसा ना हो जाए कि ईरान की जो आर्मी है वो सीरिया के हेल्प से हमारे ऊपर अटैक कर दे, हमारे ऊपर स्ट्राइक कर दे, और उसके लिए यहाँ पर इस एरिया को वो कैप्चर करके बैठे हैं कि कम से कम अभी सीरिया जो है वो ईरान को हेल्प करके दोनों मिलकर हमारे ऊपर अटैक कभी नहीं करेंगे जैसे पहले उन्होंने सबने मिलकर हमारे ऊपर अटैक किया था, ठीक है। उसके अलावा ये जो एरिया है ये बहुत, इसका वाटर रिसोर्सेज जो है, इसके जो यहाँ पे काफी सारी रिवर्स वगैरह यहाँ से निकलती हैं, आपको पता है इस एरिया के अंदर पानी की काफी स्कार्सिटी है, पानी काफी कम है, तो कई सारे वाटर रिसोर्सेज नदियां वगैरह यहाँ पे निकलती है, जैसे आपने एक लेक भी यहाँ पर देखा। और उसके बाद ये जो पूरी सॉइल है, पूरी जो इसकी मिट्टी है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, इन सब एरिया के अंदर खेती बहुत कम होती है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है की जाती है, इसके हिसाब से ये एरिया जो है इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसराइल नहीं चाहता कि इतना अच्छा जो एरिया है एग्रीकल्चर के लिए वो उसको यहां पे छोड़ दे। ओके, उसके अलावा जो सीरिया है वो लगातार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिमांड उठा रहा है कि इस एरिया को जो है वापस उनको रिटर्न कर दिया जाए, लेकिन इसराइल जो है रिटर्न करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर कौन लोग रहते हैं इन द एरिया ऑफ जो आपका गोलन हाइट है, यहाँ पे कौन कम्युनिटी रहती है, कोई स्पेशल कम्युनिटी रहती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है जो इट्स कॉल्ड द ड्रूज, उनको कहा जाता है। ड्रूज जो है वो एक इस्लाम का एक अलग ऑफशूट है, इस्लाम का जो शिया मुस्लिम है उनके अंदर एक अलग से सेक्ट निकलता है, एक अलग से माइनॉरिटी निकलती है जो ड्रूज करके उनको बोला जाता है, और अलग उनका जो धर्म है वो एक अलग अलग टाइप का धर्म वो मानते हैं। ये अरब माइनॉरिटीज हैं, अरब के जो है वो अल्पसंख्यक है, और अभी इनका जो धर्म है ऑलमोस्ट वो शिया जैसा है, लेकिन इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बाकी लोगों से अलग है। तो इसलिए जब ये पूरा एरिया जब सीरिया के अंदर हुआ करता था तो सीरिया इनको कभी भी इन्होंने रेसिडेंट का जो दर्जा है वो सीरिया के अंदर नहीं दिया, सीरिया के अंदर इनको एक अल्पसंख्यक माना जाता था, और इनको माना जाता था ये लोग अल्लाह की पूजा वगैरह नहीं करते हैं, तो इनको एक गलत नजर से वहां पे उन लोगों को देखा जाता था। अभी उसके बाद जब ये एरिया पूरा इजराइल के अंदर आता है तो इजराइल उनको पहले बोलता है कि हम आपको जो है सिटीजनशिप, नागरिकता जो है इजराइल के दे देते हैं, लेकिन अभी यहाँ के जो ड्रूज लोग हैं वो नागरिकता लेने से मना कर देते हैं, लेकिन इजराइल जो है बाद में इन लोगों को एक स्पेशल माइनॉरिटी जो एक विशेष अल्पसंख्यक का दर्जा देता है, और उस अल्पसंख्यक का दर्जा देने के साथ ही कई सारे लोग जो हैं आपके ड्रूज के वो जो इजराइल की आर्मी है इजराइल के अंदर शामिल होते हैं, और इजराइल की जो पूरी जियोपॉलिटिक्स है, इजराइल का पूरा जो आर्मी स्ट्रक्चर है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट योगदान इन लोगों का होता है। तकरीबन 40,000 जो है ऐसे ड्रूज लोग यहाँ पर रहते हैं। बाकी इसराइल ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा डेमोग्राफी इसका चेंज करने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत उसने 20,000 इसराइली लोग जो है उनको यहाँ पर गोलन हाइट के एरिया के अंदर सेटल कर दिया कि अभी आप लोग यहाँ पे रहो और फार्मिंग और टूरिज्म का काम करो। तो वहां की पूरी डेमोग्राफी उन्होंने चेंज कर दी ताकि जो है जो ड्रूज लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। उसके बाद व्हाट सेपरेट द टू साइड्स ऑन द गोलन, क्या क्या चीजें इसको सेपरेट करती है। तो अभी जब इनके बीच में ये मैटर यहाँ पर होता है, जैसे मैंने आपको मैप के अंदर यूएन डीओएफ का पूरा एरिया दिखाया था, तो इनके बीच में जब मैटर रेज होता है तो उसके बाद जब 1974 में ट्रीटी होती है इनकी, ठीक है, आर्मिसाइड होता है, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स यूएनडीओएफ, ये जो फोर्स है वो इस एरिया के अंदर यहाँ पे लगाई जाती है। जैसे मैंने आपको मैप के अंदर एक दो स्ट्रिप दिखाई थी, वो यहाँ पे लगाई जाती है, और ये अपने कैंप्स वगैरह यहाँ पे लगाते हैं, अपनी फोर्सेज यहाँ पे लगाते हैं विद द यूनाइटेड नेशन ट्रूज
सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO ये अपना पूरा एरिया जो है बीच का एरिया कैप्चर कर लें ताकि दोनों के बीच में जो है आगे इंक्रीज यहाँ पे नहीं हो। तो उसके लिए जो स्ट्रिप्स मैंने आपको दिखाई थी उनके में 400 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है जिस एरिया को एरिया ऑफ सेपरेशन कहा जाता है, एरिया ऑफ डीमिलिटराइजेशन, कि इस एरिया के अंदर कोई भी किसी भी देश की मिलिट्री नहीं रहेगी, यहाँ पर जो रहेगी वो सिर्फ UNDOF है उनकी मिलिट्री रहेगी और दोनों देशों के बीच में शांति स्थापना करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके एक बफर जोन बना दिया कि अगर इस सीरिया को, अगर इस एरिया को कैप्चर करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको UNDOF पर अटैक करना पड़ेगा, तभी सीरिया उसको कैप्चर कर सकता है और सीरिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके तहत यहाँ पे फोर्सेस यहाँ पे लगाई गई। ये जो सेपरेशन ऑफ फोर्सेज एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था 31 मई 1974 को, जिसमें जो दो लाइन यहाँ पर बनाई गई, अल्फा लाइन और ब्रेवो लाइन। तो अल्फा लाइन जो है इट्स टू द वेस्ट ऑफ द एरिया, जहाँ पे इसराइल की तरफ जो है वहां पे एक लाइन है उसको अल्फा लाइन कहा जाता है, और दूसरी तरफ जो सीरिया की तरफ जो लाइन है उसको ब्रेवो लाइन कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे है ना रेड क्लिफ लाइन, उस तरह से अल्फा लाइन और ब्रेवो लाइन दो जो लाइन आपको दिखाई थी, इसराइल की तरफ अल्फा लाइन और आपके सीरिया की तरफ ब्रेवो लाइन का निर्माण उन्होंने किया है कि इस एरिया को यहाँ पर अभी कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा 25 किलोमीटर का यहाँ पे एरिया है, इट्स कॉल्ड द एरिया ऑफ सेपरेशन, जहां पे जो फोर्सेस हैं किसी कोई भी देश जो है उनकी फोर्सेस उस एरिया के अंदर रहेंगी, लेकिन लिमिटेड नंबर के अंदर फोर्सेस वहां पे उस एरिया को मैनेज करने के लिए अंदर रहेगी। ये जो नंबर्स हैं वो UNDOF जो है उसके द्वारा तय किए जाते हैं, ठीक है। यहां पर एक क्रॉसिंग पॉइंट भी था इजराइल और सीरिया के बीच में, जहां पर कुछ आपके जो ड्रूज सिविलियंस है वो उसको क्रॉस कर सकते थे, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह को सप्लाई करना हो एक देश से दूसरे देश में, तो उसके लिए यहां पर वो ओपन था। लेकिन 2011 के अंदर जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर हुआ तो उसके बाद इस एरिया को भी बंद कर दिया गया कि हो सकता है कि सीरिया के लोग भाग भाग के जो पूरे वहां से भाग भाग के पूरी दुनिया के अंदर जा रहे थे तो यहां पर भी वो आ सकते हैं, इसलिए जो पूरा एरिया जो है इजराइल द्वारा उस समय पे क्लोज कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग क्या मानते हैं इसको, क्या इसका स्टेटस है। तो कई रिजोल्यूशन यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर पास हुए जहाँ पर इसराइल को बोला गया कि ये एरिया जो है आपको वापस उसको लौटा देना चाहिए, लेकिन इसराइल उसके लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है वो मानता है कि गोलन हाइट जो है वो इसराइल का सोवरेन टेरिटरी नहीं है, जैसा अमेरिका ने बोला कि सोवरेन टेरिटरी, वो बोलता है कि इसका सोवरेन टेरिटरी नहीं है और इसराइल को जो है वो एरिया वापस लौटा देना चाहिए। अरब लीग जो है वो यहाँ पे 2011 के अंदर सिविल वॉर यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पे उसका भी बोलना है कि इट्स कम्प्लीटली बियॉन्ड इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के एकदम बाहर है और वापस एरिया लौटाना चाहिए। इजिप्ट भी यहाँ पर जो है वॉर में तो हार गया था लेकिन वो भी लगातार जो है इसके खिलाफ है। इवन इंडिया जो इसराइल का काफी क्लोज अलाय है वो यहाँ पर उसका भी बोलना है कि इसराइल को जो है ये एरिया वापस सीरिया को लौटा देना चाहिए। तो ये पोजीशन है अलग अलग देशों की इसके ऊपर, सिर्फ अमेरिका की जो पोजीशन है वो इसके ऊपर अलग है। अमेरिका चाहता है कि ये एरिया जो है वो इसराइल की सॉवरेन टेरिटरी बनी रहे, लेकिन खैर अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये मैटर को रेज किया जाएगा तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी ये स्टैंड है ये स्टैंड वापस बैक हो सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज जो है आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू।